हेलो एंड वेलकम टू चिलर टाइम्स। हेलो फ्रेंड्स, आज गई नाकाटी हिल बंगागव डिस्ट्रिक्ट है और मोर आज बिग ब्रदार मिस्टर सत्यजित देखते आमक लगे नाकाटी हिल बंगागव डिस्ट्रिक्ट और आम सको भाईटी आई उत्सव मिस्टर तो आम आज तीन नाकाटी हिल गई आसो लोकेशन तो आम लोअर आसाम बहुत धुनिया ट्रेकिंग पॉइंट है बंगागव डिस्ट्रिक्ट डेंजरस पुल पार कर क्रॉस कर देखिए गाड़ी तो पार्क करें पार्किंग चार्ज इतने 50 रुपीज लय चार बजा लेकिन आम कम ताते जा पिक तो जा हेलो खुरा हेलो कब सबसक्राइब कर मोर चेनेल तो सबसक्राइब कर आमते जे इमान धुनिया एटा जगह आछे मय आगते जना नासिलु किन्तु रिसेंटली मय जानिबो पारिलु ए पहाड़टुर विषय बाला जना आमार ए बिग ब्रदर उपरा फ्रेंड्स फाइनली हमको अपना कपड़ा उतारना पड़ा इतना गर्मी है ऊपर पहाड़ के ऊपर लगभग कितना होगा डिग्री सेल्सियस किमान होगा अराउंड 20-25 तो होगा आई थिंक टेम्परेचर तो इसीलिए पसीना पसीना हो गया दो दोस्त मिला है तीन दोस्त ये दार्जिलिंग से आए नाकाटी हिल्स विजिट करने के लिए हेलो अरे ऊपर जब पड़ी ना भाई हेटो अरे किमान दूर हम वहाँ पे जाएंगे अभी 50% है बाकी हम घुगनी खाएंगे 20 रुपया प्लेट हम 15 मिनट्स के लिए यहाँ पे टी ब्रेक लिया था क्योंकि और 50% ऊपर उठना हमारा बाकी है तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर हमने घुगनी वुगनी चाय वाय किया तो अभी हम फिर से अपना जर्नी स्टार्ट कर दिए अभी हम फिर से ऊपर जाएंगे ओके तो कीप वॉचिंग अभी हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं आपको सब दिखाएंगे अर्लियर वी फेल लिटिल बिट हॉट या नाउ द मोर वी आर क्लाइंबिंग अप यस द मोर कोल्डनेस वी आर फीलिंग यस रियली फीलिंग कूल चिलर आई टाइम्स सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करना है भाई ठीक है ओके थैंक यू भाई मंदिर ये हमारा छोटा सा शिव मंदिर है तो प्रणाम करते हैं हम भगवान को डायरेक्शन दिखा हुआ है यहाँ पे तो सीधा हमको इस तरफ जाना पड़ेगा आधा घंटा ये भाई लोग आ रहा है घूम के आए हाँ चिलर आई टाइम्स सब्सक्राइब करना भाई लोग ओके बाय बाय ये देखिए यहाँ से और हमको 30 मिनट्स लगेगा अराउंड ब्लॉग बना के आ रहा है
ओके क्या नाम है चैनल का? हाइटेक चिलर आई टाइम्स। ओके डन। ओके डन क्या क्या चिलर आई टाइम्स ए बोला हाइटेक ब्लॉग। ओके ओके दोस्त बाय 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 बाय। 10 मीटर है कुछ 10 मीटर। गुड लक। ओके थैंक्स बाय। ओके दोस्त कुछ साथी यूट्यूबर मिला तो उनसे बातचीत हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। अभी हमको और ऊपर जाना बाकी है। मेरा हालत बहुत ही ख़राब है लेकिन फिर भी आज ऊपर किसी भी हालत में पहुंचना ही है। अगर आप आओगे ना किसी दिन तो साथ में ग्लू कॉन्डी जरूर लेना। ओह ये हमको बहुत ही केयरफुली जाना होगा क्योंकि थोड़ा सा भी स्लिप हो जाएगा ना तो आप सीधा नीचे पहुंच जाओगे। ये देखिए भाई लोग जा रहे हैं हमारा। ये रोड बहुत ही खतरनाक है। ये रोड देख रहे हो आप, सीधा इंक्लाइंड है पूरा। ये देखिए हम कहाँ पे आ गए। आराम से आराम से आराम से बल गए अभी। हाँ ये देखिए जंगली बिल्ली की तरह ये हमारा डेस्टिनेशन है। ये देखिए यहाँ पर बाबूने ये हमारा दो अलग अलग पिक है, एक ये है और एक ये है। ये बीच में थोड़ा गैप है तो अभी हम उसमें जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मेरे को बहुत ही ख़राब लगा कि हम पहाड़ों के ऊपर में भी गंदगी फैलाते हैं। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर लोग चिप्स का पैकेट, पानी का बॉटल्स फेंक के चला गया, विच इज़ रियली अ बैड मैनर। सो प्लीज़ आप अगर कहीं पर घूमने जाए तो ऐसा गंदगी ना फैलाएं, मेरा ये रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, इस पहाड़ को नागकटी क्यों बोला जाता है ये देखिए। इसका जो शेप है बिल्कुल नाग जैसा, इसलिए इसको नागकटी बोला जाता है। देखिए मेरे साथ है, इतना सारा हमारा ऑडियंस है। आए बोलो दोस्तों, देखो सब खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक व्यू है ये। फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आपको जरूर एक बार विजिट करने के लिए आना चाहिए, यू विल लव इट। और अभी हमारा रिटर्न जाने का भी टाइम हो गया क्योंकि हमने अभी तक लंच भी नहीं किया तो इसलिए भूख भी लगा है। तो पहले नीचे जाके हम खाना खाएंगे फिर घर के लिए रवाना होंगे। चलते हैं अभी। चल चलो देखिए ये अभी हम रिटर्न जा रहा है। अभी हमको लगभग आई थिंक डेढ़ घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा, देखते हैं कितना जल्दी पहुँचते हैं। जाते जाते फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। क्या
थक गया, अभी हम नीचे जा रहे हैं, हमने बहुत टाइम एंजॉय कर लिया, अभी ये लोग आ रहे हैं। चलो भाई बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय। ये काफ़ी रिस्की है ये रोड, अभी हम नीचे जा रहा है तो ध्यान से जाना होगा हमको, केयरफुली, थोड़ा सा भी स्लिप हो जाएगा तो हम सीधा नीचे पहुंच जाएंगे और तब हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे जाना होगा। ये देखिए नीचे, यहाँ से व्यू बहुत काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर व्यू है। जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें, यहाँ पे रहने के लिए वैसा कोई फैसिलिटीज है नहीं क्योंकि बहुत ही कम स्पेस है, बस दो पत्थर है उसके ऊपर ही हम सब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और पत्थर के ऊपर फोटो वगैरह वीडियोग्राफी करते हैं। कैम भी नहीं लगा सकते आप कितने, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है। लगा लंच, अभी हम 4 बजे करेंगे। ये देखिए भाई ने हमारा लंच ला रहा है, चिकन सीटो, चिकन क्या है, दाल है, भाजी है, 150 रुपये मिलेगा। हमारे भाई ऑलरेडी खाना खा रहे हैं, 150 रुपये मिल जाएगा, 150 रुपये पर प्लेट चिकन, लोकल चिकन। एक्स्ट्रा सलाद दे रहा है ये देखिए। हाँ फाइनली हम रिटर्न जा रहे हैं, ये देखो मेरे पीछे बहुत सारा है, और अभी हम घर जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, इट वॉज़ ए नाइस एक्सपीरियंस गाइस। मैं तो कहूँगा आपको ज़रूर आना चाहिए, अगर आप ट्रैकिंग करने का शौकीन हो तो आपको इस बोईगांव का नकपटी हिल्स में ज़रूर आना चाहिए। हमारा हालत टाइट हो गया, जूता भी फट गया आई थिंक, ओह फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।